नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज के इस पांचवें लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आज हम पाँचवा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। यानी कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपको 50 ऐसे प्रश्नों की जानकारी डिटेल में हो गई होगी जिसको मैंने आपके लिए बनाया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पांचवा लेक्चर। इस पांचवे लेक्चर में आपको मिलेगा क्या, 10 क्वेश्चन मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसको हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं। पहले क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद चार ऑप्शन आएंगे, आपको ऑप्शन जौन सा सही रहेगा मतलब जो राइट ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। इसके बाद उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसको कैसे लर्न किया जाए, कैसे मेमोराइज़ किया जाए आसानी से, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट की होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हुच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एक्सपेंडिंग टाइप, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा मिनरल है जो एक्सपेंड करता है, मतलब जब इसमें पानी पड़ेगा तो ये फैल जाएगा और जब पानी निकलेगा तो ये सिकुड़ जाएगा। ये मिनरल जिस मिट्टी में पाया जाता है वो मिट्टी सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ये किस टाइप का मिनरल है ये आपसे पूछा जा रहा है कि मतलब एक्सपेंडिंग टाइप का मिनरल कौन सा है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए माउंट मोरिलोनाइट, ऑप्शन बी इलाइट, ऑप्शन सी मस्कोवाइट, ऑप्शन डी बायोटाइट। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर ए है माउंट मोरिलोनाइट, ये आपका राइट आंसर। अब बात समझो कि कैसे याद कर सकते हैं। देखो, एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है, फैलना यानी ज़्यादा होना। ठीक, एक्सपेंडिंग का क्या मतलब होता है, फैलना यानी ज़्यादा होना। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ मोर लिखा है, वैसे स्पेलिंग होती है मोर की MORE होता है, लेकिन आप इतना याद कर सकते हैं कि मोर लिखा है ना, माउंट मोरिलोनाइट में मोर आता है ना मोर, और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब ये फैलता है। कौन सा मिनरल, माउंट मोरिलोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल हुज एक्सपेंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट कंडेंस इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। समझ गए, मतलब पानी पड़ेगा तो ये फैल जाएगा और पानी निकल जाएगा मतलब सूखेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। जिस मिट्टी में इस टाइप का मिनरल होगा वो सिंचाई के समय फैल जाएंगी और जब सूखेंगी तो उनके बीच बीच में दरारें पड़ जाती हैं। फिर आगे बात करते हैं, हुच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज 1:1 टाइप मिनरल, इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो 1:1 टाइप मिनरल है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए इलाइट, ऑप्शन बी मस्कोवाइट, ऑप्शन सी बायोटाइट या ऑप्शन डी क्योलिनाइट। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी क्योलिनाइट, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, हुच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल इज नोन एज लेट सॉयल, इनमें से कौन सी प्रकार की सॉयल ऐसी है जिसको हम लेट सॉयल बोलते हैं। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए एलुवियल सॉयल, ऑप्शन बी लेटराइट सॉयल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉयल या ऑप्शन डी चलका सॉयल। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल को हम कौन सी सॉयल बोलते हैं, लेट सॉयल बोलते हैं। लेट सॉयल का क्या मतलब होता है, द सॉयल व्हिच फॉर्म एट वेरी एंशेंट टाइम, मतलब जो बहुत पहले ही ऐसी मृदा जो बहुत पहले ही जिसका निर्माण हो गया हो उसको हम बोलते हैं लेट सॉयल। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माइका, मतलब माइका जो होती है इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, इसको मैंने जो एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है उस सीरीज में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में अच्छे से आप लोग जान चुके होंगे। तो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माइका, मतलब जो माइका होता है एक मिनरल होता है, इसका जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ये कितनी होती है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन नंबर ए 0 to 5, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12, ऑप्शन ई 8। इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 0, यानी कि जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ माइका होता है, माइका की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी होती है, 0 होती है। समझ के बाद,
द मोस्ट सुटेबल पीएच ऑफ सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉयल। मतलब सॉयल का ऐसा कौन सा पीएच है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब कि किस सॉयल पीएच पर, सॉयल की कितने पीएच पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से ग्रो करेंगे, मतलब कितने पीएच पर सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे पाए जाएंगे। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए 5 to 7 पीएच, ऑप्शन बी 6 to 8 पीएच, ऑप्शन सी 7 to 8 पीएच, ऑप्शन डी 5 to 8 पीएच। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 6 to 8 पीएच, मतलब स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिडिक, हल्का सा क्षारीय से हल्का सा अम्लीय से हल्का सा क्षारीय के बीच में होता है अगर सॉयल का पीएच, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगला है, व्हाट इज़ द एवरेज सीएन यानी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ द सॉयल। एवरेज सीएन रेशियो सॉयल का कितना होता है, मतलब जो नॉर्मली सॉयल का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो कितना होता है, ये पूछ रहा। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 12:1, ऑप्शन सी 15:1, ऑप्शन डी 20:1। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10:1 इज़ द सीएन रेशियो ऑफ ए नॉर्मल सॉयल। ठीक, नॉर्मली सॉयल का जो पीएच होता है वो 10:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ कल्टीवेटेड सॉयल, मतलब ऐसी सॉयल जिसमें कल्टीवेशन हो रहा है, जिसमें बराबर खेती की जा रही है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना होता है। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए 8:1 to 9:1, ऑप्शन नंबर बी 8:1 to 15:1, ऑप्शन सी 20:1 to 12:1, ऑप्शन डी 7:1 to 15:1। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 8:1 to 15:1, यानी कि 8:1 से 15:1 के बीच में जो सीएन रेशियो है वो होता है किसका, कल्टीवेटेड सॉयल का। समझ गए बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नोन एज इग्नियस रॉक्स। इनमें से कौन सी ऐसी रॉक्स है जिसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अग्नीय चट्टान है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सैंडस्टोन, ऑप्शन सी नीस, ऑप्शन डी स्लेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें से कौन सा ऐसा रॉक है, मतलब कौन सी ऐसी चट्टान है जिसको हम सेडिमेंट्री यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसकी हिंदी जो है इसकी फोर आई माइंड से याद नहीं आ रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक का क्या होता है कि इसमें से कौन सी चट्टान ऐसी है जो सेडिमेंट्री है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं इसको, सैंड स्टोन। हाँ, इसको परतदार चट्टान बोलते हैं, याद आ गया। सैंड सेडिमेंट्री को बोलते हैं परतदार चट्टान। तो सैंड स्टोन क्या है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक होता है। फिर उसके बाद क्या है, मेटामॉर्फिक जिसको हम कायंत्रित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं, ये नीस जो है, नीस ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और ये किसका बना होता है, जैसे मैंने बताया जो रूपांतरित या कायंत्रित चट्टान होती है ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक के ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही बनती है। तो ये जो नीस चट्टान है ये इसका पेरेंट चट्टान कौन सी थी, मतलब पेरेंट रॉक कौन सी थी, किससे ये बना है नीस। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, ऑप्शन ए सैंड स्टोन, ऑप्शन बी नीस, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी स्लेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है ग्रेनाइट, ये आपका राइट ऑप्शन है। ठीक, नीस से क्या बना है, ग्रेनाइट। समझ गए बात। तो आज के लिए केवल इतना ही, आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। सक्सेस विथ स्मार्ट लर्निंग विश्व का क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर।